हेलो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे डेटाबेस एनोमलीज के बारे में कि डेटाबेस के अंदर एनोमलीज क्या होती हैं डेटाबेस एनोमलीज आर द प्रॉब्लम्स इन रिलेशंस ड्यू टू रिटर्डेंसी इन द कि डेटाबेस एनोमलीज रिलेशंस के अंदर वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो रिटर्डेंसी की वजह से क्रिएट होती हैं दीज अनोमलीज अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ इन्जर्टिंग डिलीटिंग एंड मॉडिफाइंग डाटा इन द रिलेशंस किन एनोमलीज की वजह से डेटाबेस के अंदर डेटा को इजर्ट करना डिलीट करना और अपडेट करने के जो प्रोसेस हैं उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं सम इम्पोर्टेंट डेटा में भी लॉस्ट इफ़ अ रिलेशन इज़ अपडेटेड डेट कंटेंस डेटाबेस एनोमलीज, के जब आप ऐसे टेबल को अपडेट करते हैं जिसके अंदर डैटाबिस्ट अनोमलीस हो तो उसको अपडेट करते वक्त आपका डाटा लॉस हो सकता है ज़ाया हो सकता है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमूव दिज एनोमलीज इन ऑर्डर टू परफॉर्म डिफरेंट प्रोसेसिंग ऑन द रिलेश विदाउट एनी प्रॉब्लम कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन एनोमलीज को ख़त्म करें ताकि जब आप कोई प्रोसेस परफॉर्म करें अपने रिलेशन के ऊपर तो आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो टाइप्स ऑफ एनोमलीज डेटाबेस के अंदर हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स एनोमलीज़ की डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस्ट अनोमलीस आर एस फॉलोज नंबर वन पर आपके पास है इन्जर्शन अनोमली नंबर टू पर है डिलीशन अनोमली और नंबर थ्री पे आपके पास है मोडिफिकेशन अनोमली वन बाई वन करके इन तीनों अनोमलीस को डिसकस करते हैं सबसे पहले बात करते हैं इन्जर्शन अनोमली की द इन्जर्शन अनोमली कर्ज वेर अ न्यू रिकॉर्ड इज इन्जर्टिड इन द रिलेशन कि ये अनोमली तब हमारे पास क्रिएट होती है जब आप कोई नया रिकॉर्ड अपने रिलेशन के अंदर एड करते हैं लेट्स सपोज आपके पास ये एक ऑर्डर्स का टेबल है इसके अंदर हम चेक करेंगे कि इन्जर्शन अनोमली क्या होगी इन दिस अनोमली यूजर कैन नॉट इन्जर्ट अ फैक्ट अबाउट एन एंटिटी अनटिल ही हैज एन एडिशनल फैक्ट अबाउट एनदर एंटिटी इस अनोमली में होता क्या है कि यूज़र जो है वो एक एंटिटी के बारे में उस वक्त तक डाटा एंटर नहीं कर सकता जब उसके पास दूसरी एंटी के बारे में डाटा ना हो अब इस चीज़ का मतलब क्या है इस एग्जाम्पल की मदद मतलब से समझें इस टेबल के अंदर आपके पास दो टाइप्स के एनेटीज़ हैं एक आपके पास है कस्टमर का डाटा और एक आपके पास है सेल्समैन का डाटा अब लेट्स सपोज आपने एक नया सेलमैन हायर किया है जिसका नेम आपके पास है उमर अब आप इस उमर का डाटा इस टेबल के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो आप इस टेबल का डाटा यहाँ पर ऐड नहीं कर सकेंगे क्यों नहीं कर सकेंगे क्योंकि अगर आप इसका डाटा यहाँ पर ऐड करते हैं तो आपको इसके लिए कस्टमर का डाटा चाहिए कि उमर ने कौन से कस्टमर को डील किया है उसका डाटा यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि ये दो जो फील्ड्स हैं यहाँ पर खाली हैं और यहाँ इन फील्ड्स पर डाटा आएगा कस्टमर्स का कस्टमर की आई और कस्टमर नेम तो आप उस वक्त तक इस उमर का डाटा यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते जब तक आपके पास उमर के रिलेटेड कस्टमर का डाटा यहाँ पर नहीं होता इसको आप कहते हैं नॉमली कि आप एक एंट्री के बारे में उस वक्त तक डाटा एंटर नहीं कर सकते जब आपके पास दूसरी एंट्री के बारे में डाटा मौजूद ना हो सो इजर्शन अनोमली के बाद आपके पास दूसरी टाइप है डिलीशन एनोमली डिलीशन एनॉमली ऑकर्सन ये अनोमली तब ऑकर होती है जब आप किसी रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं वही टेबल हम लेते हैं ऑर्डर्स का इन दिस अनोम द डिलीशन ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन एनटी ऑटोमेटिकली डिलीट दी कि आप एक एंट्री का डाटा डिलीट करते हैं तो दूसरी का डाटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है कि लेट्स सपोज आप अपने इस कस्टमर काशिफ़ का, का डाटा यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो जब आप इस काशिफ़ का डाटा डिलीट करेंगे तो होगा क्या ये पूरी की पूरी रो डिलीट होगी और जब ये पूरी की पूरी रो डिलीट होगी तो साथ ही आपके सेल्स मैन इकरार का डाटा भी डिलीट हो जाएगा जिससे आपका डाटा इनकनसिसटेंट हो जाएगा इस टेबल के अंदर आपकी सेलमैन इकरार का डाटा मौजूद ही नहीं होगा तो इस एनोमली को आप कहते हैं डिलीशन अनोमली नंबर थ्री और लास्ट में आपके पास आती है मोडिफकेशन एनॉमली द मोडिफिक ऑकर्स वेन द रिकॉर्ड इज अपडेटेड इन द रिलेशन की अनोमली तब क्रिएट होती है जब आप अपनी किसी रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं वही एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ऑर्डर्स वाले टेबल की इन दिस अनोमली द मोडिफिक इन द वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक एट्रीव्यूट रिक्वायर्स मोडिफिकेशन इन ऑल रिकॉर्ड इन विच डेट वैल्यूज ऑकर्स क्योंकि इस नॉमली में क्या होता है जब आप मॉडिफाई करते हैं किसी वैल्यू को एक एट्रीब्यूट के अंदर तो उस एट्रब्यूट के अंदर उस वैल्यू को आपको हर जगह पर अपडेट करना पड़ता है अब इसको एग्ज़ैम्पल से समझें कि लेट्स सपोज आप क्या करते हैं ये जो कस्टमर ताहिर है ये अपने सेलमैन इमरान से सेटिसफाई नहीं है तो आप इस कस्टमर ताहिर का सेलमैन चेंज करना चाहते हैं आप इस इमरान की जगह एक नया सेलमैन कासिम इसे असाइन करना चाहते हैं तो जब आप इस इमरान के डाटे को अपडेट करेंगे तो इस एट्रब्यूट सेल्समैन के अंदर जिस जिस फील्ड के अंदर इमरान आएगा उन तमाम फील्ड्स के ऊपर कासिम अपडेट हो जाएगा लाइक like अगर आप देखें ये षमान कस्टमर का सेल्समैन भी इमरान है तो ये यहाँ भी अपडेट हो जाएगा यानी कि सेल्स मैन वाले एट्रीब्यूट के अंदर इमरान सेल्स मैन का डाटा वैसे ही ख़त्म हो जाएगा जिससे हमारा जो डाटा है वो इनकनसटेंट हो जाएगा और इसको आप कहते हैं मॉडिफ़िकेशन एनॉमली कि आपने वैल्यू तो एक जगह चेंज की थी लेकिन बाकी जगह पर वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गई जो कि आपके डाटे को इनकसिस्टेंट बना रही है तो इसे आप मॉडिफिकेशन अनोमली कहते हैं तो आज मैं बात की डाटा बेस के बारे में आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डेटाबेस बेस के अंदर एनोमलीज क्या हैं और ये कितनी टाइप्स की होती हैं लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थैंक यू वेरी मच